सोलन का सरकारी डिग्री कॉलेज का बॉयज हॉस्टल अपनी बदहाली पर आंसर हो रहा है, लेकिन कॉलेज प्रशासन है कि हॉस्टल की सुध नहीं ले रहा है। हॉस्टल की इतनी बुरी दशा है जहां विद्यार्थी मानो काला पानी की सजा काट रहे हों। हॉस्टल में ठंड के दिनों में खिड़कियों की शीशे टूटे पड़े हैं, जिसकी वजह से बच्चे ठिठुरती रातों में परीक्षाओं की तैयारी करने पर मजबूर हैं। हॉस्टल में पानी नहीं है, गीजर देखने के लिए टांगे गए हैं जो शायद वर्ष में एक आध बार ही चलते हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थी नहा नहीं पाते। यही नहीं, पानी न होने की वजह से कॉलेज की मैस नहीं चल पा रही है। यही वजह है कि विद्यार्थी बाहर से खाना मंगवाने पर मजबूर हैं। जब इस बारे में कॉलेज के प्रधानाचार्य नीलम कौशिक से पूछा गया तो उन्होंने भी वही रटा रटाया जवाब दिया और कहा कि जल्द ही हॉस्टल को ठीक करवाने के लिए एस्टीमेट बनवाया जाएगा और जल्द ही हॉस्टल को ठीक करवा दिया जाएगा और जल्द ही हॉस्टल में पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करवाकर मैस को भी चालू करवा दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी तरह से असुविधा का सामना न करना पड़े। हॉस्टल में प्लम्बरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। गीजर्स और पाइप्स, टैप्स वगैरह जो भी टूटे हुए थे उन सभी को परचेज कर लिया गया है और उसका कॉन्ट्रैक्टर से काम शुरू करा दिया गया है और ये 8-10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। उससे फिर बच्चों की मैस भी चलने शुरू हो जाएगी और गीजर्स या हीटिंग प्रॉब्लम जो उनको जो भी थी वो सारी ठीक करवा दी जाएगी। साथ ही जो खिड़कियां शीशे वगैरह टूटे हुए थे उसकी हमने BSNL से एस्टीमेट मांगा है रिपेयर के लिए और जैसे ही उनका एस्टीमेट आता है हम इसकी अप्रूवल डायरेक्टरेट से लेंगे और फिर इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। 2-3 महीने तक, फरवरी मार्च तक ये सारी इसका रेनोवेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि फिर बच्चों को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।